गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। जिम पे आ गया हूँ, छत पे घूम रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो जिम की, और टंकी भरने के लिए आया था जैसे मैंने पहले भी दिखाया ब्लॉग में। तो रात पानी ख़त्म हो गया था, रात हिम्मत होती नहीं है थोड़ी सी, मन करता है बस जल्दी से जल्दी घर भागूँ और थोड़ा सा आराम करूँ, कमर सीधी करूँ। तो अब सुबह सुबह आके पहले जिम खोला, पूजा वगैरह करी है, झाड़ू सी मारी है थोड़ी, और अब पानी भरने के लिए आ गया हूँ ऊपर। वह बच्चे भी आना चालू कर देंगे थोड़ी देर में, मैंने कहा उससे पहले सारे काम ख़त्म हो जाए ज़्यादा बेटर है। पता लगा कोई वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रहा है और पानी नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब खुद को भी लगता है और दूसरा बंदा बैठ के अंदर वेट करेगा वो भी बेकार लगता है। मैंने कहा पहले ये काम ख़त्म कर लेते हैं अच्छे से, तब देखी जाएगी बाद की बात जो भी करना है, पहले ये टेंशन ख़त्म हो पानी भरने की। ट्रैक्टर पे बैठ गए ये बड़े हर हमारे, पर इन पे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे जिंदगी में ये बेटे? ऐसी बात ना बताना, बैठ तो गए बड़ी जल्दी ट्रैक्टर पे, देखो नीचे सोए हो क्या? देखो नीचे सो गए ट्रैक्टर तो भाई बता देना। ए यार बड़े रो मेरी जान ना, तू करो स्टार्ट, बता करो दबाओ चाबी। ओहो अब मेरी गलती है, ले भैया क्लिच की बिना पता बिना वो क्लिच है, ये ब्रेक है, तो ये रेस है। मैं भी तो वही कह रहा, चलो भैया हनुमान गेट डाल दिया, ले भैया चलवा लो ट्रैक्टर। हेलो देख किले दाग पूरे। ओहो ओहो मल्टी लेवल सिस्टम। अब हमारा छोड़ो क्लिच छोड़ो, ओहो रे क्लिचा छोड़ोगे सही? छोड़नी पड़ेगी कैसे और का छोड़ो छोड़ो चल कैसे ना आ रहा, एक सेकंड रुक जाओ, बताओ इनमें ट्रैक्टर ना चल रहा, बताओ बताओ मैं बता रहा हूँ सब चीज। ट्रैक्टर सीख गए चलाने, देखो बैक करेंगे ये देखो ये गई ट्रॉली गई ट्रॉली गई है उल्टी, देखो बैक कर रहे हैं, देखो ये देखो ये बैक भाई देख, तूने अपनी ट्रॉली आदत सही नहीं थी भाई, एक एक मार्ग में चलना चाहिए, मैं ट्रैक्टर को सीधा ले जा रहा हूँ तो ट्रॉली को सीधा, अगर ये एक मार्ग में चलेगी सब मुड़ने की जरूरत पड़ी फिर क्या होगा? ना इधर साइड काटो हैंडल है, काटो और काटो काटे रखो काटे रखो काटे रखो, करो सीधो कर दो पूरा काट दो काट, ए बड़े रहो ये भी काटे रखो भैया, सात जन्म में ना सीखे ट्रैक्टर मुझे लगे है भैया, नू भी ना पता बंद कहाँ से होगा, देख भाई इधर दिखा। हाँ भाई मैं चाबी देख कर रहा हूँ। हाँ यू ये बात सोच रहे भले न सोच रहे या भैया, यू है समय पता होगी ट्रैक्टर है बंदू। अरे भैया एक बात सुन, इन्होंने नू कह रहे महिंद्रा चलाया हो मैंने, अरे आज ने चलाया यार 15-16 साल होगी, बताओ कल लो बात 15-16 साल पहले चलाया यार लो, भाई फिर गलती हमारी है, मेरी लेकर बेइज्जती कर रहा, हर चीज रिकॉर्ड कर ली दिख है। लो बाबा जी आ रहे हैं, बिकाज दिखाऊं आज कौन शूट कर रहा है, बड़ी हस्ती आई है देखो, बहुत दिन बाद शक्ल दिखा गया, अरे सुन तो सही देखियो, है लोंडा हीरो
इटाड़े में एक हीरो वैसे ये तो सच बात है। बता दो नेपाल करने। वही तो मैं आ तो गया इटाड़े। साले बहुत बन रहा हो। मैंने जान पूछ के लगाया ऐसे। अब देख कहीं से भर जाओगे ट्रोली टेढ़ी। यहाँ से ताऊ और मारे हैं, मूवी मारे हैं, फिल्म मारे हैं। तू देखो भाई इनसे मार ली, मेरे तो ले भाई मार ली भाग जो आते हैं। हाँ सही कह रहा। अब देखो कैसे लगेगी हेड आउट। भैया तू ट्रेंड आदमी है यार, तेरा रोज का काम है, तू चीता हो रहा। अरे मतलब कभी कभी अब देखो गाइज, अब एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, देख उन्हें देखूंगा वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ना, रास्ता पता ना, बस घुस गए। देखो ये बैठ गया लोंडा, अब दिखाओ मुझे एक्टिंग। ओ आराम से साल मेरे पिला रहा। हाँ ट्रॉली सीधी कर दी तूने तो है वे। अबे ट्रॉली एक बार में सीधी कैसे कर दी हूँ। पूरी पूरी फॉर्म में देख, जान पूछ कर फॉर्म दिखा रहा है वैसे, देख चढ़ा दे भाई। अरे यू क्या करा, यू तो मैं भी कर देता। अबे उल्टा सीधा तो मैं भी घुसा दूंगा भाई। ले भाई इसमें तो एक सेकंड। अरे कहाँ जा रहा। अच्छा बैक लाएगा, अब बैक लाएगा सीधी सीधी लोंडा भाई। आ भाई ये चलाना जिस पे हो गया, घर में रहने लगे हैं चीज। देख देख तोड़ेगा खंबा बेटा, देख देखो देखो कहाँ ला रहा है। ए ए ए बच गई, नाम चारू की बची है भाई। बस 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 जान पूछ के दिखा रहा है थोड़ी सी स्टाइल, वैसे तो नॉर्मल चला हुआ है। अब जान पूछ के दिखाएगा ऐसे एक्टिंग में कि हाँ मैं पूरा ट्रेंड हूँ, मुझसे बेहतर कोई ना है ना। अरे जान पूछ कर दे। ओ हो अरे तेरे ऐसी कहने की जरूरत ना पड़े। कल का दिखा दे। क्या कह रहे हैं लेबर को, कब तक कितने देर में आएगी। दो तीन मिनट कह रहे हैं, दो तीन मिनट को बता रहे। चलो भैया दो तीन मिनट तो हो गया, हमें बकैती करते हुए लो कहाँ लगो, पहले पहले वाले निशान पर लगाए, गलती से लगा भैया। हम चल दिए, आज हम टाइम फोड़ रहे हैं भैया, ऐसे घूमते रहेंगे आज हम। मूड बड़े बड़े आदमी आ जावे ना जिम पे तो भाई साहब मजा अलग ही आ जावे। आज बस थोड़ी सी दोपहरी में आया हूँ। अरे हमने सूरज ही बदल दिया, हमने दिशा बदल दी, इसलिए हम गोरे आ रहे हैं। अभी हम काले काले, पहले हम काले हो गए, पहले हम थोड़ी देर के लिए काले हो गए, हम वापस से गोरे हो गए। हम दो मिनट काले हो जाए फिर हमेशा गोरे गोरे फिर तो। गिरगिट भी क्या रंग बदलता होगा जब हम दोनों भाई। शेर बोलो, शेर जादू और पप्पू रोना, पप्पू रोना जादू नीला। धूप चाहिए इसे। साफ सफाई हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। नीलेश अभी गया साफ सफाई करके, पूरी मशीनें साफ हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। जिम में घुस गई है गिलहरी गेट के नीचे से, वो बच्चे कभी कभी छोड़ खुला छोड़ देते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम। अब वो गिलहरी आ गई अंदर, दो दिन हो गया बाहर नहीं निकल रही है। अब पता ना, अभी मैं और नीलेश ट्राई भी कर रहे थे भाई, उसके पीछे भागे भी हैं खूब जिम में, हाथ ही नहीं आ रही है, कभी इधर घुस जाती है। और किसी दिन यार वो मुझे टेंशन है, वो मशीनों के अंदर बैठ जा रही है जो कवर है इसके अंदर, और इसके अंदर लगा रहता है वेट। जब बंदा एक्सरसाइज करता तो वेट ऊपर नीचे होता है, मुझे टेंशन है इसके अंदर बीच में ना बैठ जाए, पता लगा वेट एकदम से नीचे गिरे, रुआवजा ना बन जाए उसका। देखो भाई मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दो तीन दिन से पीछे खूब भाग रहा हूँ उसके, निकलने को तैयार नहीं है जिम से। अब नहीं है तो वो अपनी किस्मत लेके आई होगी जो भी है। तो चलो चलते हैं, आज पिताजी नहीं आए क्योंकि पिताजी की हो रही है तबीयत ख़राब आज, तो मैं अकेला ही देख रहा हूँ आज। अभी चलता हूँ फिलहाल गांव वाले घर में। चलो जी चलते हैं जल्दी से। तो सभी भाई लोग जा चुके वर्कआउट वगैरह करके अपना, मैंने भी जिम वगैरह अपना क्लीन कर दिया। सुबह पापा आएंगे कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए यार मुझे, मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है बस। हाँ रीज़न वही है ना, रेस्ट मिलना बस प्रॉपर तरीके से। तो पापा का फ़ोन आया था कि तू अपना आराम से आ जा जिम बढ़ा के, कल मैं अपने आप देख लूँगा। तो बस तैयारी कर रहा हूँ, सामान रख रहा हूँ उठा उठा के इधर से उधर, मतलब जो इधर उधर पड़ा हुआ जो कि नहीं पड़ा होना चाहिए, तो वही सब चीज़ें रख रहा हूँ। बस फिर निकलता हूँ घर के लिए, क्रॉस चेक करता हूँ कोई मशीन तो चालू नहीं है, कोई डंबल वगैरह इधर उधर ना पड़ा हो गलत तरीके से।
वही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बताओ कैसा लग रहा हूँ? कभी कभी पहन के आता हूँ मैं जीन्स वगैरह, रेगुलर नहीं पहन के आता। सही है भाई, कल उठा लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, रंग ही तो है। हमारे लड्डू गोपाल जी भी तो काले थे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो भगवान थे। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं बालक, हमारी क्या औकात। कभी कभी मैं चीज़ अच्छी बोल देता हूँ, पता ही लोगों को समझ में आती है मेरी बातें नहीं आती, वो अलग चीज़ है अगर नहीं आती है तो। अरे यार इधर से उधर, उधर से इधर, छोटी छोटी चीज करने के लिए लाइट जलाओ या स्पीकर बंद करो। स्पीकर बंद। चल दिए जिम, बढ़ा दिया अपना, शटर लगा दिया। अभी तो बाइक साफ़ करनी है, पूरी गीली हो रही है बारिश से, देखो अभी इसे साफ़ करो। पहले तो स्टार्ट होने में दिक्कत कर गई, इस पर स्पार्क प्लग में पानी चला जाता है यार। बुलेट के लफड़े तो बहुत है, पाल तो लो, सही कह देते हैं, हाथ ही पाल लो, लेकिन खर्चे और उनकी मेंटेनेंस ऐसे तैसे फेर देगा।